हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुमानसी सैगल। फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो पार्लर में यूज़ होने वाले जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी होती है उसके ऊपर है। तो हम लोग क्या करते हैं, कई बार मशीनरी परचेज करते रहते हैं और हम लोग सेटिस्फाई नहीं होते, या कस्टमर्स के ऊपर उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते। हम स्ट्रेटनर यूज़ करते हैं बट फिर भी बालों में फ्रिज रह जाता है। तो क्या कारण होता है? उसका कारण ये होता है कि हम लोगों ने मशीनरी अच्छी परचेज नहीं की होती। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि कौन सा ब्रांड अच्छा है जिसके आप ये जो मशीनरी है लेंगे तो आपको लॉन्ग टाइम तक दोबारा मशीनरी लेने की नीड नहीं रहेगी, और उनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं और वो बालों के लिए सेफ़ भी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला टूल जो है वो मेरा आइकॉनिक प्रोफेशनल का एवोल्यूशन ड्रायर है। ये बहुत ही छोटा है देखने में और ग्रिप इसकी बहुत अच्छी बनती है, आप इसको ईजिली होल्ड कर सकते हैं। जो इसका टेम्परेचर है, वैसे आप नॉर्मली देखते हैं कि ड्रायर में दो तरह के ही टेम्परेचर आते हैं, एक हाई और एक मीडियम। इन दो में क्या होता है, हीट बहुत तेज़ होती है, तो अगर हमको उससे भी कम हीट चाहिए तो इसमें इन्होंने नया ऑप्शन दिया हुआ है, लो, मीडियम एंड हाई। इसमें तीन आपके जो हीट के तीन पार्ट्स दिए हुए हैं, एक लो, एक मीडियम और एक हाई। तो आप क्या किसी भी रख के इसको, जैसे सेंसिटिव हेयर होते हैं तो लो हीट में ही आप वर्क कर सकते हैं। स्पीड इसकी बहुत अच्छी है और इसके जो फ्रिजीनेस है बहुत अच्छे से रिमूव करता है। तो ये एक आपका आइकॉनिक का ड्रायर हो गया एवोल्यूशन। इसी तरह आइकॉनिक का मैं एक और ड्रायर यूज़ करती हूँ जो प्रो 2500 प्लस है। ये भी बहुत अच्छा ड्रायर है, ये भी मतलब बाकी और ड्रायर से छोटा ही है। इसके भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। इसमें हाई और मीडियम दोनों तरह का टेम्परेचर रहता है। स्पीड इसमें टू टाइप्स की रहती है, मीडियम और हाई। तो इससे भी फ्रिजीनेस जो होती है हेयर्स की वो जल्दी रिमूव हो जाती है। बाकी आपका जो हीट देने का काम होता है इसका बहुत अच्छा है, तो जल्दी से हीट होती तो वर्क भी जल्दी जल्दी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट टूल रहेगा स्ट्रेटनर। स्ट्रेटनर की क्या बहुत ज़्यादा लोगों को नीड रहती है कि हमें अच्छा स्ट्रेटनर मिले जिससे हमारे बाल जो हैं वो बर्न ना हो, उन पे कोई दिक्कत ना हो हेयर्स के ऊपर। तो अच्छा स्ट्रेटनर मैं आपको बताती हूँ, ये भी आइकॉनिक प्रोफेशनल ब्रांड का स्लिम टिटेनियम शाइन स्ट्रेटनर है। इससे क्या होता है कि हमारे बाल जो हैं बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी शाइन देता है बालों को और बहुत अच्छा स्ट्रेट करता है। इससे स्ट्रेट करने के बाद हमारा हेयर अप्रोक्स 3 or 5 days तक स्ट्रेट रहता है अगर उसमें स्वेटिंग नहीं होती। तो अगर आप इससे स्ट्रेट करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और बालों को कोई नुकसान नहीं होगा। तो आप इसको बाय कर सकते हैं। इस पर टेम्परेचर 130 से स्टार्ट होकर 230 तक का है। अगर बहुत ज़्यादा फ्रिजी हेयर हैं और कर्ली हेयर हैं तो हम 230 टेम्परेचर रखेंगे, अगर वेवी हेयर हैं तो 210 रखेंगे, और अगर बहुत ही आपके पतला हेयर है या मतलब ज़्यादा हम हीट नहीं देना चाहते तो उस पर 170। मतलब टेम्परेचर का अच्छा इन्होंने दिया हुआ है कि आप किसी भी टेम्परेचर पे रख के हेयर्स के अकॉर्डिंग बालों को स्ट्रेट कर सकते हैं। तो ये वाला आप आइकॉनिक का परचेज कर सकते हैं स्ट्रेटनर, जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। इसी तरह आइकॉनिक ब्रांड ने एक छोटा स्ट्रेटनर भी निकाला है, इसे मिनी प्रो स्ट्रेटनर कहते हैं। ये किस काम आता है, जैसे हमारे बेबी हेयर्स होते हैं, हमारे फ्रंट पे इस साइड बेबी हेयर्स होते हैं या नेक के पास इधर बेबी हेयर्स होते हैं, तो इनको क्या हम बड़े स्ट्रेटनर से स्ट्रेट करने में दिक्कत होती है। किस समय होती है, जब हम कोई भी केमिकल वर्क कर रहे होते हैं तो उस समय स्ट्रेटनर बहुत यूज़फुल होता है। इस छोटे से स्ट्रेटनर में छोटे छोटे बाल आ जाते हैं और आप उनको अच्छे से स्ट्रेट कर सकते हैं। इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। ये 1100 मे बी 1100 का होगा ये, तो आप इसको भी परचेज कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टूल है वो है क्रिम्पिंग मशीन। फ्रेंड्स, मेरा सारा सामान अधिकतर आइकॉनिक ब्रांड का ही है, मैं इसके अलावा कोई ब्रांड नहीं लेती क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहते हैं। तो आप भी इसी ब्रांड को स्टार्ट कर दीजिए यूज़ करना, तो आप लोग भी सेटिस्फाई होंगे। इसका ये क्रिम्प एंड स्टाइल नाम से आता है, आइकॉनिक ब्रांड का क्रिम्पर। ये बालों को क्रिम्पिंग के काम आता है जिससे हेयर स्टाइल्स बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत फास्ट क्रिम्पिंग होती है और बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है, बालों को डैमेज भी नहीं करता। तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसी तरीके से इसी का एक छोटा क्रिम्पर भी आता है आइकॉनिक ब्रांड का ही। जिनके छोटे छोटे हेयर्स होते हैं उनको मैं छोटे क्रिम्पर से क्रिम्प करती हूँ, तो आप इसको भी परचेज कर सकते हैं। ये भी 1100 अप्रोक्स MRP का आता है। फ्रेंड्स, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टूल है वो है टोंग। तो टोंग अपने पास जो है वो आइकॉनिक ब्रांड की है, ये भी प्रोफेशनल टोंग है। इसमें भी जो हीट आती है उससे बहुत अच्छा कर्ल डलता है बाल में और उसकी लास्टिंग भी बहुत अच्छी होती है, तो आप ये
टोंग परचेज कर सकते हैं। इसमें साइजेस अलग अलग आते हैं, तो मैंने एक ये वाला साइज़ रखा हुआ है और एक मैंने इससे थोड़ा हैवी साइज़ रखा है। इससे क्या मोटे वाले टोंग्स चलते हैं जो आजकल बहुत क्रेज़ में हैं, वो आजकल ज़्यादा लोग करवाते हैं, तो आप ये वाला टोंग भी ख़रीद सकते हैं। ये भी आइकॉनिक प्रोफेशनल टोंग है। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट हमारा टूल है वो है रेट्रोवेव की मशीन आती है, जिसमें रेट्रोवेव्स होते हैं जिससे, तो वो अभी आइकॉनिक की मेरे पास अवेलेबल नहीं है। उसके बदले मैं ये V&G ब्रांड की यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अभी रखी हुई है इसलिए मैंने नई परचेज़ नहीं करी है। इसके बाद मैं आइकॉनिक की ही लेके आऊँगी। तो ये आपका ये भी अच्छा है, इसके रिज़ल्ट भी अच्छे हैं V&G के। अगर नॉर्मल रेंज के लेने हैं, ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहते, तो V&G की मशीनरी भी आप ले सकते हैं, जो स्टार्टिंग छोटे सैलून्स के काम में आती है। बाकी आप अच्छा सैलून चला रहे हैं और आपको अच्छी इनकम हो रही है, तो आप थोड़े कॉस्टली प्रोडक्ट ख़रीद लीजिए, जो मशीनरी है कॉस्टली लीजिए, ताकि कस्टमर्स को भी नुकसान ना हो और आपका काम भी जो है फास्ट होने लग जाए। तो आज का आपको ये वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स? अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।